तो ये आपको नौ खाल की मार्केट दिखाई दे रही है। अरे यार, हेलो दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से मैं आपका दोस्त अंकित। आज मैं जा रहा हूँ नौ खाल और मेरे साथ में है मेरी सिस्टर, क्या है नाम तेरा, मानसी, ठीक है। तो मेरी बुआ की लड़की है जहाँ पर मैं आ रखा हूँ, धरासू की। तो आज जाने वाले हैं हम नौखाल मार्केट में, तो वहाँ पर दिखाने वाला हूँ। वहाँ से एक सब्सक्राइबर थे हमारे जिन्होंने कमेंट कर रखा था कि आप एक बार अर्धनारेश्वर का मंदिर भी दिखाएं और वहाँ से नौखाल का व्यू दिखाना है, ठीक है। तो वो मुझे रिमेंबर है, मतलब याद है, तो उस जगह को भी दिखाने वाला हूँ आज। और जो अभी धरासू की मॉर्निंग का व्यू है उसे भी देख सकते हैं। धरासू पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पर भी कुछ घर हैं। नमस्ते, ये वो कई कड़कनाथ है, कड़कनाथ मुर्गा। अच्छा, हाँ हाँ, वो नहीं शहर लगनो। तो एक बार ये बता कि मतलब नौखाल में क्या क्या फेमस है, जैसे देखने की चीजें क्या क्या है। एक तो अर्धनारेश्वर का मंदिर हो गया, दूसरा एक स्कूल है। स्कूल, स्कूल में जाना तो अलाउड नहीं होगा अभी के टाइम पे, है ना। और आइसक्रीम पार्लर सुना है मैंने एक वहाँ पे, हाँ। कि आइसक्रीम पार्लर है वहाँ पर, तो आज वहाँ पर भी जाएंगे। एक बार आपको यहाँ नौखाल का आइसक्रीम पार्लर दिखाते हैं, ठीक है। मतलब यूनिक नेम रखा है ना पार्लर, तो उसको दिखाते हैं आज। नमस्ते, आइए आइए। तो यहाँ से कुछ धरासू गांव ये दिखाई दे रहा है और नीचे को मार्केट है जो आपको यहाँ पर नीचे को दिखाई दे रही है। हाय बड़ी, हेलो, हाय। तो दरअसल हम मार्केट में दूसरी तरफ से आए, बाइक मैंने दूसरी तरफ खड़ी कर रखी है, तो एक बार वहाँ से गाड़ी लेके आता हूँ इधर। तब तक तो कैमरा पकड़, ठीक है। बाइक अच्छा तो अभी हम नौखाल में आ चुके हैं। सबसे पहले जा रहे हैं यहाँ पे मंदिर में, एक बार मंदिर में दर्शन करते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट किया था, नाम जो बताया था यहाँ का, वो था अर्धनारेश्वर, पर हम भी कंफर्म नहीं है मतलब, ठीक है। तो वहाँ पर देख के ही पता चलेगा मंदिर का नाम क्या है, और एक बार दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको नौखाल दिखाता हूँ, ठीक है। नौखाल यहाँ से अच्छा दिखेगा मतलब। तो ये है ऊपर को मंदिर, तो चलते हैं एक बार मंदिर में। तो ये है अर्धनारेश्वर मंदिर, एक बार दर्शन करते हैं अंदर। जैसे कि अर्धनारेश्वर बोला जाता है ना, आधा शिवजी और आधा पार्वती जी होती हैं, तो आप यहाँ पर जो अर्धनारेश्वर की मूर्ति है उसे भी देख सकते हैं, आधे शिवजी हैं और आधा पार्वती जी। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा अगर आगे देखते हैं तो ये आपको नौखाल की मार्केट दिखाई दे रही है। दरअसल मैं वैसे काफ़ी बार आया हूँ नौखाल, लेकिन मुझे इस जगह के बारे में पता नहीं था कि ये वाली जगह इतनी अच्छी है, मतलब यहाँ से पूरा नौखाल इतना अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ से नीचे नौखाल देख सकते हैं, और बिल्कुल जो लास्ट में है ना, वो आखिर में, वो आइसक्रीम पार्लर है। देखो जब हम नहीं बिचा वो कहीं ना साइड पे, वो वाल चाहिए, वो पोर वाल चाहिए, वो वाल नीचे भाई, वो पोर वाल क्या था, वो भी होटल ही थी। अच्छा, वो अच्छा खुली यार, हम मैगी पॉइंट पे बने। अच्छा, वो मैगी पॉइंट चे और आइसक्रीम पार्लर ये हम चे। अच्छा, हाँ, सब कुछ बना। तो मैंने भाई गलत बता दिया, आइसक्रीम पार्लर है जो, वो वाला नहीं है जो मैंने दिखाया। दरअसल वो बीच में मार्केट है ना, तो यहाँ पर है वो, इसी मोड़ पे। तो यहाँ से ये नौखाल के व्यू देख सकते हैं।
ये नौगो गांव है ना मानसी, और इस साइड में भी देख सकते हैं, तो इस साइड में भी ना काफ़ी सुंदर है यार। तो ये आपको इधर नौगो गांव दिखाई दे रहा है ये वाला, और जो ऊपर लास्ट में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत, वो स्कूल है, इंटर कॉलेज है वो, मतलब इंटर स्कूल है वो। यख रहने को होटल मिल रहा सी? हाँ, कुछ ही इन्हें साइड को पूरा, मतलब जो दुकान का साइड खुश ही नहीं, हाँ होटल भी छीना, रूम भी मिल जाने ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब मैं कंफ्यूज था कि मैंने जैसे दो पिछली वीडियो में बताया था ना कि नौखाल में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन नौखाल में बोला मिलते हैं यहाँ पे रहने के लिए। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो आपको यहाँ पर रहने के लिए मिल जाती है जगह। और मंदिर में दर्शन करने के बाद अब चलते हैं मार्केट में। तो अर्धनारेश्वर मंदिर की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये लॉर्ड शिवा और पार्वती जी को डेडिकेटेड होता है। इसका आपको सेकंड जो मंदिर है, मुझे लगता है इससे पुराना मंदिर होगा या फिर इसी मंदिर के साथ का मंदिर होगा, वो आपको पैठानी में देखने को मिलेगा अर्धनारेश्वर नाम से। तो यहाँ से ये देख सकते हैं नौखाल। नौखाल ना काफ़ी अच्छी मार्केट है और काफ़ी बड़ी मार्केट है, ऑलमोस्ट सारा सामान मिलता है यहाँ पे। तो अब क्या करने वाले हैं, अब जाने वाले हैं आइसक्रीम पार्लर में। इधर से नौखाल दिखाई दिया, ऊपर जाते वक्त पूरा नौखाल दिखाऊंगा। तो ये है कुछ जगह, और यकमीच आइसक्रीम पार्लर चमोड़ीम से जो है ये वाल दुकान क्या है, यह दोस्त की दुकान से मेरे। अरे जय बद्री विशाल वह साल ना घूमदर घूमदर। तो ये रही यहाँ पे नौखाल की मार्केट, जो कि अभी के टाइम पर ना काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। अच्छा वो रही दुकान है, तो वो सीधा आगे दिखाई दे रही है, वो है आइसक्रीम पार्लर। यहाँ का देखते हैं, आप टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट है भाई नमस्ते मैंने सुना आपकी आइसक्रीम काफ़ी फेमस है बोला यहाँ पे। अच्छा, तो कर दीजिए दो आइसक्रीम। कौन कौन सा फ्लेवर है आपके पास में? हमारे पास एक है वनीला है। अच्छा, और ये वनीला कर दो दोनों ना। वनीला करना है? हाँ। तो यहाँ पर स्पेस भी देख ही सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है थैंक यू। पहले एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसी है भाई, उसके बाद बताते हैं आपको सर्व करेंगे, अगर अच्छा रहा तो बिल्कुल सर्व करेंगे आप। दरअसल अगर मैं आइसक्रीम की बात करूँ ना, तो मैं लगभग आइसक्रीम ऑलमोस्ट 4 to 5 years की बात कर रहा हूँ, मतलब 4-5 साल हो गए खाए हुए रात टेस्ट करके देखते हैं। दरअसल हम पहले क्या कह रहे हैं, सॉफ्टी कहते थे इससे ना, सॉफ्टी बोलते थे हमने यहाँ पे। तो अगर आइसक्रीम की बात करो ना, आइसक्रीम काफ़ी अच्छी है, तो सही है, अच्छी है, क्वालिटी मेंटेन करी हुई। तो यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर में अच्छा था यार, मतलब जो आइसक्रीम थी ना वो अच्छी थी। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा अगर आप नौखाल में घूमने आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पे किसी को भी पूछ सकते हैं कि आइसक्रीम पार्लर, हर कोई आपको यहाँ पे बता देगा इस लोकेशन को। और अब कहाँ पे चलना है, हैं मैगी पॉइंट पे हैं तो मैगी पॉइंट पे जाते हैं। दरअसल जिसको मैं पहले समझ रहा था आइसक्रीम पार्लर, उस वो मैगी पॉइंट को समझ रहा था, तो वहाँ पर चलते हैं एक बार, तो वहाँ पर भी देखते हैं कैसा है। तो ये है मैगी पॉइंट, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है शायद। और इसी के साथ में यहाँ से ये नौखाल के व्यू हैं कुछ। भाई बन जाएगी मैगी? मैगी बन जाएगी, फेमस है ना। हाँ। तो बना दो एक मैगी। हाँ एक कर दो जी। तो इनके यहाँ पे काफ़ी सारा सामान, मतलब खाने की चीज़ें मिल जाती है, छोले कुलचे हो गया, गार्लिक नान, तंदूरी रोटी, फ्राइड राइस, चिली पनीर, दही के गोलगप्पे, अच्छा, और पनीर मोमोज, जो कि अच्छी बात है भाई। और लोकेशन आपने बहुत बढ़िया चुनी है भैया यहाँ पे, ये लोकेशन देख सकते हैं, मतलब ओपन एरिया है, और आगे को भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, आगे को ना ग्रीन वैली है, मतलब ऐसी लोकेशन पे खाने का अलग ही मज़ा है। तो भाई अपनी मैगी आ चुकी है, ठीक है, तो देखने में तो अच्छी है, एक बार टेस्ट करके बताते हैं। मैगी
कच्ची बनी है, जो इसमें वेजिटेबल है ना कच्ची है, जो ठीक है वो ज़्यादा अच्छा क्रंची अच्छा लग रहा है उसमें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना मैगी पॉइंट, उसके हिसाब से यार अच्छी बनी है मैगी, मतलब लग रहा है कि उसके हिसाब से मतलब बहुत टेस्टी बनी है, ठीक है काफ़ी अच्छी है काफ़ी बढ़िया। तो एक बार फटाफट से मैगी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो अपनी मैगी हो चुकी है कंप्लीट, तो एक बार भैया से भी बात कर लेते हैं। भैया कितने की है मैगी? 30। ये लीजिए पैसे काटिए। तो मैगी आप ना काफ़ी अच्छी थी, मतलब मैगी आपकी। तो अभी कितना टाइम हुआ वैसे यहाँ पे आपको ये ओपन किए हुए? वन ईयर। वही मैं सोचूं, मैं दरअसल पहले भी आया था, मैंने देखा नहीं यहाँ पे कभी ऐसा, मतलब अच्छा था आपका मैगी। थैंक यू, बढ़िया थी। तो मैगी की बात करूँ तो मैगी काफ़ी अच्छी थी यार। इसी के साथ में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा मैगी में कि जो कच्ची वेजिटेबल थी ना वो अच्छी थी, वो क्रंची हो रही थी, और थोड़ा बहुत मतलब इतना मुझे जो ग्रीन वेजिटेबल होती है ज़्यादा कुक पसंद नहीं है। तो अब चलते हैं मार्केट की तरफ ऊपर को। अच्छा बैंक में लागी जब फिर तो। तो भाई अभी नवाखाल की जो मार्केट थी ना वहाँ से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे रुका हूँ। यहाँ पे बाइक के कुछ एक्सेसरीज मिलती है, जो मतलब मिलता है जितना भी सामान। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बाइक का जो चैन स्प्रे होता है उसे ख़रीद रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि चैन पे ना काफ़ी चीज़ें फंस रही है, मिट्टी फंस रही है, उसी के साथ में मैंने ये भी देखा जंक भी फंस रहा है थोड़ा बहुत, तो इनको ख़रीद लेता हूँ यहाँ से थोड़ा। और ये वाला है थोड़ा बहुत यहाँ से नवाखाल का मार्केट दिखाई दे रहा है। तो अभी ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हैं, सबसे पहले मैं चैन पे स्प्रे मारने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना चैन सूखी चैन चल रही है भाई। तो पहले चलते हैं स्प्रे करते हैं पहले, है ना। तो बाइक की चैन पे स्प्रे भी कर लिया, अब यहाँ से चलते हैं, सारा काम हो ही गया ऑलमोस्ट ना। तो अब यहाँ से ना घर निकलते हैं वापस धरासू, ठीक है, और इसके बाद जो आगे आने वाली वीडियो है वो धरासू गाँव की होने वाली है। और नवाखाल से वापस धरासू जाते वक्त यहाँ पर एक जगह ना नदी पड़ती है जिसे हम गदेरा कहते हैं, तो ऊपर से ना झरने की तरह पड़ रहा है, तो उसको दिखाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भाई लोग मतलब अपने कपड़े भी साफ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे पानी गिर रहा है ऊपर से, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा उसके नज़दीक जाते हैं, दरअसल पत्थरों में फिसलन भी हो रखी है यहाँ पे काफ़ी। मानसी ये थैला तो वहीं तो रख दी है। दरअसल ना बहन को बहुत शर्म आती है कैमरे के सामने आने में ना, तो हिचकिचाती है बहुत ज़्यादा। तो अब चलते हैं आगे यहाँ से, झरना देख के काफ़ी मज़ा आया, ठीक है अच्छी जगह में भाई। और अभी के टाइम पे झरने से थोड़ा आगे आगे तो यहाँ से रणसा गांव शुरू हो जाता है, लेकिन रणसा गांव में जैसे ही आते ना उससे पहले एक छोटा सा मंदिर पड़ता है यहाँ पे। नाम क्या मंदिर है के? अच्छा नमस्ते जी, खूब से यहाँ बस यक में ही तक। क्या मंदिर का नाम है? उत्तेश्वर साईं। कुट्टेश्वर ना? उत्तेश्वर। उत्तेश्वर, तो मंदिर का नाम है उत्तेश्वर, वैसे लिखा भी है। हाँ प्राचीन उत्तेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, मतलब प्राचीन पुराना है भाई, काफ़ी पुराना मंदिर है। तो एक बार इस मंदिर में चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर इस मंदिर के आगे लोकेशन भी देख ही सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर है। तो ये है मंदिर उत्तेश्वर महादेव। जय हो भगवान, कृपा करो सब पे। तो ये देख सकते हैं, ये है शिवलिंग। मुझे क्या लग रहा है, जैसा शिवलिंग है ना ये, मुझे लगता है शिवलिंग में मतलब शिव जी का ना पूरा परिवार दिखा रखा है, ठीक है, पार्वती भी है और वो भी है, क्या कहते हैं गणेश भी, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा शिवलिंग देख रहा हूँ जिसमें मतलब तीन वो है एक साथ। देख के तो यही लग रहा है कि मतलब ये पूरा फैमिली है मतलब शिव जी की ना, ऐसे ही देख के लग रहा है। और मंदिर से थोड़ा इधर को आते हैं तो आगे के नज़ारे देख सकते हैं, हरी भरी वादियाँ, ये पहाड़ियाँ और सीढ़ीदार खेत, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। नीचे को नदी भी है, आप नदी भी देख सकते हैं,
यहाँ पर ऑलमोस्ट जैसे ही हर पहाड़ी को क्रॉस करते हैं ना तो आपको हर जगह पर नदी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भाई साहब आजकल ना रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी यहाँ पे, वो तो अच्छा बात धूप हो गई तो इसलिए थोड़ा बहुत मतलब रोड सही हो गया पहले से, अदरवाइज रोड बहुत ही ज़्यादा वैसी है ख़राब। और अब आ चुके हैं धरासू गांव में। धरासू गांव यहां से शुरू हो जाता है ठीक है, लेकिन अभी हम यहां पे एक व्यू पॉइंट पर रुके। आगे यहां से सीला गांव दिखाई देता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, तो यहां से आगे दिखाता हूं। इसी के साथ में यहां से बहुत सुंदर ना हरी भरी वादियां दिखाई देती है, वैली दिखाई देती है, तो उसको भी दिखाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आगे देख सकते हैं, आगे उस पहाड़ी पर वो सीला गाँव है जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, और इधर को है रणसा गांव, बिल्कुल आपको सीधा उस धार पे दिखाई दे रहा होगा, पहाड़ी पर दिखाई दे रहा होगा। और ये हरी भरी वादियाँ, ये वैलियाँ देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। और अब वक्त हो चला है इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का। होपफुली आपने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा, आपको नवोखाल मार्केट देख कर अच्छा लगा होगा। वैसे नवोखाल आने का रास्ता मैंने बहुत बार बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपको शेयर कर देता हूँ कैसे आप नवोखाल में पहुँच सकते हैं। अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली से आप सीधा 190 किलोमीटर कोटद्वार है वहाँ पर आ सकते हैं बाय ट्रेन, बाय बस, और वहाँ पर टैक्सी सर्विस भी मिल जाती है। कोटद्वार से फिर नवोखाल जब आते हैं तो इसकी दूरी अप्रोक्सीमेट 100 के अराउंड में होगा, मुझे लगता है 90 या 100 किलोमीटर के अराउंड में है। तो आज ये भी पता चल गया है कि वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है, अगर आप वहाँ पर घूमने आते हैं तो आपको वहाँ पर रहने के लिए भी मिल जाता है, होटल्स मिल जाते हैं मतलब रहने के लिए। तो आप इस तरीके से अगर आते हैं दिल्ली से कोटद्वार और कोटद्वार से फिर सतपुली होते हुए सीधा नवोखाल, तो इस तरीके से आ सकते हैं, इस रूट को फॉलो कर सकते हैं आप। और अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। होपफुली आपने वीडियो इन्जॉय किया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे।